हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कशन करेंगे, कुछ चीज़ों को लेकर अपन बातचीत करेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको ट्रेडिंग वगैरह में लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को आप प्रॉपर तरीके से कैसे रिकवर कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ आप किस तरीके से ट्रेडिंग करें कि जिसकी वजह से आपको लॉस काफ़ी कम हो। ठीक है, यानी कि आपका जो लॉस रेशियो है वो ना के बराबर हो जाए। तो इस चीज़ को मैं कम्प्लीटली आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वो क्या चीज़ें रहेगी एंड किन चीज़ों को अपने को फॉलो करना होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखते रहिए। मान लीजिए आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग आज से, कल से या कभी से भी फॉरेक्स ट्रेडिंग आपने स्टार्ट की, एंड आपका जो स्टार्टिंग कैपिटल है वो होगा $20। ठीक है, यानी कि आपने $20 से अपना ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट किया। $20 के बाद आप जो ट्रेडिंग स्टार्ट करते उसका आप रिस्क रेशियो लेके चलते 30%। 30% आपको जो रेशियो लेके चलना है ये आपके टोटल कैपिटल का लेके चलना है। लाइक, जो मैंने आपको बताया कि आपका $20 है, तो $20 का आपको क्या करना है, 30% रेशियो लेके चलना है। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। इसका आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग रहेगा। यानी कि अगर आपको लॉस होगा तो यहाँ पर $6 का होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये अपन चीज़ समझते हैं तो, यानी कि अगर आपकी एक ट्रेड गलत जाती है या पूरा दिन गलत जाता है तो आपका यहाँ पर $6 लॉस होगा। ठीक है, अगर आपकी ये ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो आपको यहाँ पर $6 प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है करेंसी ऑन करेंसी कि आप कौन सी करेंसी कर रहे हैं। आप क्रिप्टो कर रहे हैं, आप गोल्ड ले रहे हैं, या आप यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप 20 पिप्स लेते हैं एंड 0.03 लोट साइज पे, तो आपका यहाँ पर $6 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये शीट आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली इस शीट को एक्सेस कर सकते हैं। आप इस शीट को फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे आपका ट्रेडिंग जो कैपिटल है वो डे बाई डे बढ़ेगा एंड यहाँ पर आपको लॉस होने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका अगर ये ट्रेड कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में, तो आपको यहाँ पर कुछ नोट्स डालने हैं। ठीक है, नोट्स आप लाइक क्या डालने हैं, मान लीजिए आपने जीबीपी यूएसडी में ट्रेड ली, तो सबसे पहले डालना है कि मार्केट अप ट्रेंड था या डाउन ट्रेंड था। अगर डाउन है तो आपको यहाँ पर डाउन लिख देना है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग लिखना है, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। एंड सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है कि आपने ये चीज़ लिख दी है, उसके बाद आपको देखना है कि जो आपने यहाँ पर ट्रेड पुट की है वो बाई में की है या सेल में की है। वो भी चीज़ आपको नोटिस करना है कि आपका यहाँ पर सेल किया है या आपने बाई किया है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये भी चीज़ एनालाइज करनी है कि जो आपने ये ट्रेड पुट की है ये किस बिहाव पे की है। ठीक, लाइक आपने यहाँ पर सपोर्ट देखा है, ठीक है, या आपने मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह देखा है, क्या चीज़ देखिए। जो भी चीज़ें आप देखते हैं, जिस चीज़ को भी आप देख के ट्रेड ले रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको नोट्स में मेंशन कर देनी है। ठीक है, एंड फाइनल यहाँ पे क्या करना है कि आपकी जो भी मिस्टेक है, आपको अपनी मिस्टेक फाइंड आउट करनी है कि आपने आखिरकार क्या प्रॉब्लम हुई, या क्या आपने ऐसी एक गलत ट्रेड ली जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ। ठीक है, इस चीज़ को आपको फॉलो करना। मान लीजिए आपकी फर्स्ट ट्रेड पॉजिटिव में जाती है, तो आपको अभी ट्रेड लेनी कैसे होती है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर डिवाइड की गई है 0.3, आप 0.3 ना लेकर एवरी ट्रेड जो आप लेने वाले हैं वो 0.02 की लेंगे, तो प्लस यहाँ पर आप तीन ट्रेड लेंगे तो आपका ये इक्वल हो जाएगा 0.06 के बराबर। ठीक है, इतनी ट्रेड आप ले पाएंगे, या आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, या आपका जो $6 है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। लाइक, अगर आपने सोचा है कि मैं 0.02 की एक ट्रेड लूँगा और उस ट्रेड का मैं मिनिमम जो लॉस कैपेबल है मेरे लिए वो $2 होगा। ठीक है, या आप $1 मान सकते हैं, ये डिपेंड आप पे है कि आप कैसे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप कैसे लॉट साइज़ को डिफाइन करते हैं, आप 2 में ले सकते हैं, 3 में ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, अभी इसको भी समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आपका प्रॉफिट होता है नेक्स्ट डे आपका $26 से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, टोटल कैपिटल का 30% आज भी रिस्क रहेगा कि अगर टोटल यानी कि $26 में से $6 अगर मेरे को लॉस हो रहा है तो अच्छी बात है, आज के दिन मैं अगली ट्रेड नहीं लूँगा। अगर मेरे को 6 की जगह $8 प्रॉफिट हो रहा है तो ट्राई करिए कि उस दिन की ट्रेड आप फिर ना लें। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए लोड साइज भी आपका बढ़ता हुआ जा रहा है। फर्स्ट अपन ने 0.03 लोड साइज यूज किया था, आज अपन यूज करेंगे 0.04। तो इस तरह से आपका धीरे धीरे क्या होगा कि इधर जो आपका स्टार्टिंग बैलेंस है ये धीरे धीरे ये इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, आपका रिस्क रेशो सेम रहेगा, आपको रिस्क रेशो सेम रखना है, बट आपका जो यहाँ पर रिस्क जो अमाउंट होगा वो थोड़ा थोड़ा वो भी बढ़ता हुआ जाएगा, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आपका यहाँ पर लोड साइज भी बढ़ेगा, एंड देन अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो ठीक है, तो आफ्टर 20 डे बाद आपके अकाउंट में $20 से $3,804 हो चुके होंगे। ठीक है, इतना कैपिटल आप ग्रो कर सकते हो। ये तो होगी एक स्ट्रेटजी जिसके माध्यम से आपका जो है परसेंटेज रिस्क सेम रहेगा, बट आपका रिस्क ऑन डॉलर ज़्यादा रहेगा एंड आपका लोड साइज भी बढ़ता हुआ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे बात करते हैं इसी के अंदर। अब सेकंड क्या चीज़ है, सेकंड जो चीज़ है इसमें आप मान लीजिए $20 से स्टार्ट करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे क्या, आपका 20% हमने रिस्क रखा है, यानी कि $20 का 20% यानी कि $4, यानी कि अगर आपको एक दिन में $4 लॉस हो रहा है तो उसके बाद आप सेम डे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपका सेम डे जो प्रॉफिट का टारगेट है परसेंटेज में 40% डॉलर की बात करें तो जस्ट रिस्क का डबल, यानी कि 1:2 के रेशो में यहाँ कह सकते हैं आप, या 4K में कहिए, ये डिपेंड आप पे, बट मेरे अकॉर्डिंग 1:2 ही रहेगा क्योंकि जितना रिस्क अपन ले रहे हैं उसका डबल मैंने किया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपका रिस्क है $4 और प्रॉफिट मार्जिन है $2। ठीक है, आपका मार्केट अगर 40 पिप्स अप जाता है देन डायरेक्टली आप $8 है वो अर्न कर पाएंगे। अब इसको आपको जो ट्रेड लेनी है वो 4 times लोड साइज रखना है। 4 times कैसे रखना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले आपने 0.01 की ट्रेड ली, ठीक है, सेकंड ट्रेड भी आपको 0.01 की लेनी है, थर्ड ट्रेड भी आपको 0.01 की लेनी है, 0.01 की फोर्थ ट्रेड लेनी है, और चारों ट्रेड का जो लॉस रहेगा वो रहेगा $1 की। यानी कि अगर मेरे को लॉस होता है तो इसमें एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी $1 लॉस होगा, इसमें भी $1, यानी कि दिन में सिर्फ आपको 4 trades लेनी है, $4 को आपने $1 में डिवाइड कर दिया है, एंड देन यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट रहने वाला है लास्ट के अंदर वो $2 में आपको डिवाइड कर देना कि 1:2 का रेशो मेरा यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, अब इससे आपको फायदा क्या होगा आखिरकार, वो मैं चीज़ आपको यहाँ पर मेन बताने वाला हूँ। इस वीडियो के जो थंबनेल में आपने देखा उसका सिर्फ मेन पर्पज़ यही है, क्या $20 से कैपिटल को ग्रो किया जा सकता है, या डेफिनेटली किया जा सकता है, अकाउंट ग्रो किया जा सकता है, या डेफिनेटली आपका अकाउंट ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को लेकर अपन यहाँ पर प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे, प्रॉपरली उस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सेकेंड डे मान लीजिए $26 हो जाता है, 20% के तौर पे आपका यहाँ पर टोटल क्या रहेगा, लॉस रहेगा, जो कि $5.20 होता है, यानी कि $5 हो गया और यहाँ पर 20 सेंट हो चुका। ठीक है, आपका प्रॉफिट मार्जिन रहेगा 40% रहेगा, यानी कि 40% जो होता है 10.40 सेंट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, और 40 पिप का टारगेट रहेगा, उसी तरीके से सेम अपने को ट्रेड लेनी है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि 4 अब कैसे डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि 2:2 के रेशो में आप इस ट्रेड को डिवाइड कर सकते हैं, कि मान लीजिए आपने एक ट्रेड ले ली 0.02, ठीक है, 0.02, ठीक है, क्या कर लिया आपने यहाँ पर जो ट्रेड है उसको इस तरीके से डिवाइड कर लिया, और लास्ट वाली जो ट्रेड है मान लीजिए ये $1 की आपने रखी है। या इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली ट्रेड है इसको भी अपन 1 कर सकते हैं, सॉरी ये 1 अपन ने कर दिया, तो टोटल कितना हुआ यहाँ पर, अगर आप लॉस में जाते हैं तो ऊपर वाली ट्रेड पे कितना हुआ, आपकी एक्यूरेसी जितनी आई होगी उतना बेटर होगा, यानी कि $0.02 की आपने कोई ट्रेड भी सेंट की तो यहाँ पर आप लॉस मार्जिन रखेंगे $1, इस पर भी $1, इस पर भी $1। ठीक है, अब आपका आज का जो लॉस का टारगेट था वो कितना था कि अगर मेरे को $5.20 से ज़्यादा का लॉस होता है तो मैं ये नेक्स्ट डे की ट्रेड में लेके जाऊंगा, आज फिर अगेन ट्रेड नहीं करूंगा। तो यहाँ पर टोटल आपने जो डॉलर यूज किए वो $3 यूज कर लिए, एंड लास्ट की ट्रेड में आप क्या कर सकते हैं कि $0.02 की एक ट्रेड लेते हैं जिसमें $2 का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको अपना कैपिटल जो है यहाँ पर प्रॉपरली तरीके से मेंटेन करते हुए चलना है,
अब यहाँ पर $2 प्रॉफिट, $2 प्रॉफिट, $2 प्रॉफिट, $2 प्रॉफिट, ये जितना आप प्रॉफिट निकालना चाहे यहाँ पर 4 होगा, उस तरीके से आप अपना प्रॉफिट यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं इसको कैसे समझेंगे। मान लीजिए आप एक दिन में 4 ट्रेड लेते हैं, समझना। पहली ट्रेड आपने $0.01 की ली जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ, सेकेंड ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट हुआ, थर्ड में प्रॉफिट हुआ, फोर्थ में प्रॉफिट। लॉस मार्जिन अपन ने रखा था कि अगर मेरे को इस ट्रेड में लॉस होता है तो लॉस तो अपन ने गिना नहीं, तो प्रॉफिट गिना, तो आपको यहाँ पर $8 का टोटल प्रॉफिट हुआ। सेकंड अपन ने क्या किया, दोनों ट्रेड्स में अपने को प्रॉफिट, तीनों ट्रेड प्रॉफिट, एक लॉस में, तो अपन ने लॉस रखा था कि $1 से ज़्यादा मैं किसी भी ट्रेड पर लॉस नहीं लूँगा, तो भी आपका $6 का प्रॉफिट है सेम डे। अब दो ट्रेड पॉजिटिव और दो नेगेटिव, फिर भी आप उस दिन पॉजिटिव में हैं, यानी कि आपके पास अगर एक दिन में 3 ट्रेड लॉस में जाती है या 4 ट्रेड लॉस में जाती है तो ही आप उस दिन लॉस में रहेंगे। अगर 3 ट्रेड आपकी लॉस में, एक प्रॉफिट में, तो भी आप $1 लॉस में, अगर पूरी चारों ट्रेड लॉस में तो भी आप $4 लॉस में, यानी कि कुल मिला के आप बेटर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो यही चीज़ें थी जिनको मैं आपको समझाने वाला था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।